वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इंग्लिश फर्स्ट की बुक का सेकंड चैप्टर का वापस रिवीजन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में ये चैप्टर पढ़ा दिया था आपको, लेकिन रिवीजन के तौर पर हम इसे वापस पढ़ेंगे एंड समझेंगे, जो कि एक स्टोरी है। हमारे चैप्टर का नाम है स्माइल विद अ ब्लेसिंग, यानी मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद। स्माइल यानी मुस्कुराना, विद यानी साथ, अ ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, यानी मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद। डिस्कस यानी चर्चा करना, आपस में बातचीत करते हैं, किसी टॉपिक को लेकर चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिख रहा है। एक लड़का है जो कि गड्ढे में गिरा हुआ है, और एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि उसे हाथ दे रहा है, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड है, हु इज़ हेल्पिंग द बॉय, ये यहाँ पूछ रहे हैं कि लड़के की मदद कौन कर रहा है, हमें कौन दिख रहा है यहाँ पे, ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, यानी ओल्ड मैन ही लड़के की मदद कर रहा है। थर्ड है, हैव यू एवर हेल्प्ड समवन, टेल अस अबाउट द इवेंट्स, क्या आपने कभी किसी की मदद की है, तो उस किसी एक घटना के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी, चलो अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। पिछले मैंने चैप्टर में आपको इसकी वर्ड मीनिंग भी बताई थी, मुझे आशा है कि आपने उसकी स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें लिख लिया होगा, अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतार लिया होगा और याद भी किया होगा। तो इस बार हमें इस चैप्टर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी, चलो अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट, एक बूढ़ी औरत, वॉज यानी था दीदी, गोइंग यानी जा रही, टू मार्केट यानी बाजार के लिए, एक बूढ़ी औरत बाजार जा रही थी। शी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, वह कैरिंग यानी मैंने बताया था वर्ड मीनिंग में, एक सामान को दूसरे सामान पर, वो दूसरी जगह, एक सामान को उठाकर दूसरी जगह ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह, तो वह बास्केट ऑफ फ्रूट्स यानी फलों की टोकरी को उठाकर ले जा रही थी। ऑन द वे, रास्ते पर, शी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन, रास्ते में उसका जो पैर है एक केले के छिलके पे, पील यानी छिलका, एंड फेल डाउन, वह नीचे गिर गई, केले के छिलके के ऊपर उसका पैर आया और वह नीचे गिर पड़ी। जैसा कि इस पिक्चर में हमें दिख रहा है, बूढ़ी औरत की सर पे टोकरी थी फलों की, और ये केले का छिलका है जिसके ऊपर उसका पैर आया और वह फिसल गई। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर, लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया, लाफ यानी हंसना। ऑल हर फ्रूट्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, सारे फल जो थे, स्कैटर्ड यानी बिखर गए, ऑन द ग्राउंड यानी मैदान पर, जो कि हमें इस पिक्चर में दिख रहा है, टोकरी नीचे गिरी है, फल सारे ज़मीन पर गिरे हैं, और पीपल क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, मीना जो एक लड़की है उसने मदद की, हेल्प्ड यानी मदद की, ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत की, टू स्टैंड यानी खड़े होने में, मीना ने उस बूढ़ी औरत की खड़े होने में मदद की। शी पिक्ड अप ऑल द फ्रूट्स एंड पुट देम इन टू द बास्केट, उसने उठाया, पिक्ड अप यानी उठाया, ऑल द फ्रूट्स यानी सारे फलों को, एंड पुट यानी रखा, देम यानी उनको, इन टू द बास्केट यानी टोकरी में, यानी उसने सारे फलों को उठाया और उस टोकरी में वापस रखा। मीना थ्रू द बनाना पील इन टू अ डस्टबिन, मीना ने थ्रू यानी फेंका, बनाना पील यानी कचरे, केले का छिलका, इन टू अ डस्टबिन यानी कचरा पात्र में, मीना ने क्या फेंका, बनाना पील, कहाँ फेंका, डस्टबिन में यानी कचरा पात्र में, तो हमें कचरा पात्र में ही फेंकना चाहिए। आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं मीना कैसे फल उठाकर टोकरी में रख रही है, और सब पीपल देख ही रहे हैं। ओ थैंक यू सो मच, ओ अरे बहुत बहुत धन्यवाद, मे गॉड ब्लेस यू,
भगवान तुम्हारा भला करे, सेड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भला करे। तो मतलब बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद के रूप में ये कहा। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर क्लोज होता है। इसके साथ ही हमें ये इस स्टोरी से क्या प्रेरणा मिलती है, यही क्या शिक्षा मिलती है, कि यही कि हमें औरों की मदद करनी चाहिए, जो प्रॉब्लम में उसे हेल्प करना चाहिए, और कचरा जो है हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में यानी कचरा पात्र में ही फेंकना चाहिए। और अगर कोई गिर जाता है या कोई प्रॉब्लम में होता है तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।